नमस्कार दोस्तों दोस्तों आयुरएक्सपेरियंस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी को पांच सुपर फूड के बारे में बताऊंगा। ये पांच एंटीऑक्सीडेंट फूड है जो आपकी शरीर की कोई भी दर्द हो, कोई भी पेन हो, ये जड़ से खत्म करेगा। दोस्तों सबसे पहला जो है वो है मेथी का साग। जी हाँ दोस्तों, मेथी का साग आप मार्केट से आसानी से मिल जाता है। मेथी का साग में भरपूर मात्रा में आयरन रहता है और विटामिन के रहता है, जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और आपकी जोड़ों के लिए, जॉइंट के लिए यह बहुत ही लाभदायक होता है। आप अपने खाने में रोज मेथी साग का सेवन करते हैं तो इससे आपका शरीर में कोई भी दर्द नहीं होगा और आपको कोई पेन है तो उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो आप मेथी साग का सेवन जरूर करें अपने खाने में। दूसरा नंबर पर है लहसुन है। जी हाँ दोस्तों, आप लहसुन से अपने पेन को कम कर सकते हैं। आप सभी को पता ही है लहसुन में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रहता है, जो आपकी पेन को कम करने के लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहता है और साथ में आपकी इम्यूनी सिस्टम को ये बहुत ही मजबूत बनाता है। आप चाहे तो सुबह एक कली लहसुन का सुबह खाली पेट में ले सकते हैं, उससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपके पेन में। उसके बाद दोस्तों वो है हल्दी। जी हाँ दोस्तों, आप हल्दी में करकुमिन नाम का एक एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रहता है, जो कि आपकी पेन को कम करने के लिए ये बहुत ही लाभदायक होता है। साथ में ये भी आपकी शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को ये बढ़ाती है। आप चाहे तो रोज सुबह एक गिलास दूध में एक चम्मच हल्दी पाउडर मिला के आप थोड़े समय तक उबाल के आप ले सकते हैं। इससे भी आपको पेन में बहुत ही रिलीफ मिलेगा और ये इससे आपको बहुत सारा फायदा भी मिलेगा। उसके बाद जो है वो है दोस्तों अदरक। अदरक एक नेचुरल पेन किलर के जैसा है। अदरक में भी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रहता है, जो आपकी पेन को ये बहुत ही जल्दी कम करता है और इसका रिजल्ट आपको तुरंत देखने के लिए मिलता है। आप चाहे तो अदरक का छोटा छोटा पीस कट करके आप उसे खा सकते हैं दिन में, तो इससे भी आपको पेन में बहुत ही रिलीफ नजर आएगा और इससे आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट भी मिलेगा। उसके बाद जो दोस्तों है वो है प्याज। जी हाँ दोस्तों, प्याज में क्वर्सिटिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट रहता है, जो आपकी जॉइंट की, मसल की, नस की पेन को ये बहुत ही रिलीफ करता है, ये बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। तो आप अपने खाने में प्याज का सेवन जरूर करें। आप छोटा कच्चा प्याज, आप रॉ प्याज जो है उसे आप अपने खाने में कच्चा चबा के खाते हैं तो इससे आपको पेन में बहुत ही रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों आज का जानकारी बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आया। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कुछ सवाल है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।